सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात देने जा रहे हैं। 6 घंटे में चित्रकूट से दिल्ली का सफर होगा और ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के लिए विकास पथ साबित होगा। देखिए रिपोर्ट। चित्रकूट से दिल्ली अब दूर नहीं, उद्घाटन को तैयार है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। चित्रकूट से दिल्ली का सफर अब सिर्फ 7 घंटे में। चित्रकूट से दिल्ली का सफर पहले 12 घंटे में होता था पूरा। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, औरैया, जालौन से दिल्ली पहुंचना हुआ आसान। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में 196 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। आगामी 16 जुलाई को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। जालौन जिले के कई थेरी गांव में पीएम मोदी इस 4-लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी ने ही वर्ष 2020 में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। उसके बाद करीब 14,850 करोड़ रुपए की लागत से इस एक्सप्रेसवे को सिर्फ 28 महीने में पूरा कर लिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन जिले से गुजरेगा और इसके बनने से यूपी के 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा को आवाजाही में सुविधा मिलेगी। 16 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 28 महीने में ही बनकर तैयार हुआ 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अभी 4-लेन, भविष्य में 6-लेन की तैयारी। 4 रेलवे ओवरब्रिज, 14 बड़े पुल, 266 छोटे पुल, 18 फ्लाईओवर, 6 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा। 7 जिलों को जोड़ता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे के शुभारंभ हो जाने से यहां की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। यहां के किसान सीधा दिल्ली की मंडी से जुड़ जाएंगे, साथ ही औद्योगिक क्षेत्र को भी नया आयाम मिलेगा। वहीं इस एक्सप्रेसवे के कारण लोग पलायन करना भी बंद कर देंगे, क्योंकि बुंदेलखंड को पिछड़ा इलाका माना जाता था और रोजगार उपलब्ध ना होने के कारण यहाँ के लोग पलायन करते थे। इस एक्सप्रेसवे से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार द्वारा खजुराहो, महोबा, जालौन, चित्रकूट आदि क्षेत्रों में पर्यटन के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से यहां के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल बुंदेलखंड का इलाका बीहड़ का क्षेत्र माना जाता है। यहां पर डकैतों का साम्राज्य स्थापित था, जिसकी वजह से लोगों को यहां आने में डर लगता था। एक्सप्रेसवे के शुभारंभ हो जाने से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे, उस दिन कलाकारों द्वारा बुंदेलखंड की कला और संस्कृति को दिखाने के लिए बुंदेलखंड की धरोहर को भी दर्शाया गया है, जिसके लिए एक आर्ट गैलरी भी बनाई गई है। बता दें कि यूपी विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बना है। प्राइम टीवी के लिए आरती तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश को एक और एक्सप्रेसवे यानी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है, जो कि आयाम स्थापित करेगा विकास के। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।